मायावती ने षड्यंत्र के चलते किया फेरबदल, यह कहना है दिनेश गौतम का। दिनेश गौतम ने यह भी कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती 20 फरवरी से 11 अप्रैल क्यों? बहुजनों को किया जा रहा है दिशा भ्रम। लखनऊ के परिवर्तन चौक से कहां गई पैरियर की मूर्ति? नमस्कार, मैं मोहित और आप देख रहे हैं XMT न्यूज। हमारे साथ आज मौजूद हैं दिनेश कुमार गौतम जी। दिनेश कुमार गौतम जी ने आज महात्मा ज्योतिराव फूले साहब जी की 195वीं जयंती मनाई गई, लेकिन ये जयंती सिर्फ दिनेश गौतम जी ने ही मनाई, और ऐसा क्यों ये हम दिनेश जी से खुद बात करेंगे और आपको भी बताएंगे कि उन्होंने 195वीं जयंती 20 फरवरी के दिन क्यों मनाई। गौतम जी, XMT न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज महात्मा ज्योतिबा फुले साहब शिक्षा एवं सामाजिक क्रांति के महान अग्रदूत की उपाधि उनको दी हुई है। पूरा देश का बहुजन समाज महात्मा ज्योतिबा फुले साहब को शिक्षा एवं सामाजिक क्रांति का महान अग्रदूत कहती है, और हम लोग उनका बहुत आदर सम्मान करते हैं, क्योंकि माननीय काशीराम साहब के हम कार्यकर्ता हैं, एक जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं, और माननीय काशीराम साहब का एक जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो काम माननीय साहब काशीराम जी जीवन भर करते रहे वो काम हमको करना चाहिए। महात्मा ज्योतिबा फुले साहब वो महापुरुष हैं, उन्होंने अपने पूरा जीवन बहुजन समाज के हितों के लिए और मानवतावादी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित किया। उनके साथ माता सावित्रीबाई फुले ने भी अपना महात्मा फुले साहब के ही साथ ही साथ अपना पूरे जीवन समर्पित कर दिया। तो आज महात्मा ज्योतिबा फुले साहब की वास्तविक 195वीं जयंती है। महात्मा फुले साहब का 20 फरवरी 1827 को जन्म हुआ था। तो ये वास्तविक शब्द मैं क्यों बोल रहा हूँ ये मैं भी जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो हमने अभी तक सुना है वो 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा राव फुले की जयंती मनाई जाती है, तो फिर आप 20 फरवरी कैसे कह रहे हैं? माननीय काशीराम साहब जब तक जीवित रहे, और बल्कि होशो आवास में हम लोगों को मार्गदर्शन करते रहे, तब तक माननीय काशीराम साहब महात्मा फुले साहब की जयंती और उनका स्मृति दिवस मनाते थे। छत्रपद साहू जी महाराज की जयंती, उनका स्मृति दिवस, नारायण गुरु साहब की उन जयंती, उनका स्मृति दिवस, पेरियर रामास्वामी नायकर साहब की जयंती, उनका स्मृति दिवस, बाबा साहब की जयंती, उनका स्मृति दिवस, ये माननीय काशीराम साहब कंटिन्यू मनाते रहे। जब भी कोई कार्यक्रम किया करते थे पार्टी का, तो वो इन महापुरुषों की जयंती को ध्यान में रखते हुए करते थे। और मैं आपको बता दूं, 26 जुलाई छत्रपद साहू जी महाराज की जयंती भी है और भागीदारी दिवस भी है। छत्रपद साहू जी महाराज की 100वीं भागीदारी दिवस के उपलक्ष्य में माननीय काशीराम साहब कोल्हापुर में आमंत्रित किए गए थे एज ए चीफ गेस्ट। 100वीं वर्षगांठ मनाई गई थी भागीदारी दिवस की। उसके बाद बहुजन महापुरुषों की जयंती 26 अगस्त को लखनऊ में माननीय काशीराम साहब ने पर्दाफाश रैली बुलाई थी। बहुत बड़ा पर्दाफाश होने वाला था, लेकिन क्या हुआ वो पर्दाफाश नहीं हो पाया। क्या परिस्थितियां रही ये तो माननीय काशीराम साहब ही जानते थे, लेकिन हम लोगों को भी बहुत कुछ आभास है, वो पर्दाफाश बहुत कुछ पर्दाफाश होना था। 17 सितंबर 1995 को पैरियर मेला लखनऊ में लगा था, जब मायावती जी मुख्यमंत्री थी। 4 दिवसीय मेला लगा था, 17 सितंबर से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक, यानी मैं कहेंगे कि 15 सितंबर से 18 सितंबर तक पैरियर मेला लगा था, और 17 सितंबर 1995 को परिवर्तन चौक का उद्घाटन जो है माननीय काशीराम साहब ने किया। उसका फोटो अभी भी मेरे पास है, उसका फोटो है मेरे पास। ये बड़ी बात है, क्योंकि आज मैं इस
ये फोटो है, ये 17 सितंबर 1995 का फोटो है, जिस दिन परिवर्तन चौक का साहब काशीराम जी की देखरेख में उद्घाटन हुआ। ठीक। इसके अलावा मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ। माननीय काशीराम साहब जब तक जीवित रहे, हमारे मूवमेंट के जितने भी प्रोग्राम होते थे, इस प्रकार ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये एक मैगजीन है, ये हम लोगों का इंटरव्यू लिया था, हमारे एक यात्रा थी उसके फोटो लगाए और ये फोटो लगाया था कि कभी इस प्रकार आयोजन हुआ करते थे, जिसमें आप पेरियर रामस्वामी नायकर साहब का तीसरे नंबर पर ये फोटो चित्र देख रहे हैं। आज पेरियर रामस्वामी नायकर का अगर कहीं नाम कोई लेता है तो हम लोग ही हैं, जो माननीय काशीराम साहब के जिम्मेदार कार्यकर्ता की हैसियत से लेते ही नहीं है, बल्कि उनके कार्यक्रमों को मनाते भी हैं। इस बार हमने पेरियर साहब की जयंती से माननीय की स्मृति दिवस तक हम लोगों ने पेरियर कांशीराम राजनीतिक संदेश यात्रा निकाली थी, तो हम लोग कर रहे हैं क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है, माननीय के कार्यकर्ता हैं। लेकिन माननीय की तथाकथित उत्तराधिकारी क्या कर रही है, ये पूरे देश को समझना है। माननीय की जो तथाकथित उत्तराधिकारी आजकल क्या कर रही हैं, ये पूरे देश भर को समझना है। आज की हमारी आपकी जो ये वार्ता का ये मुख्य अंश है, क्योंकि मैं कई पॉइंट पर आज मेरी इच्छा है आपके साथ बात करने की, क्योंकि आज महात्मा फूले साहब की जयंती है, वास्तविक जयंती है, और 195 भी जयंती है। तो 195 भी जयंती पर मैं आप सभी को, पूरे देशवासियों को, शिक्षा एवं सामाजिक क्रांति के महान अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फूले साहब की जयंती की हार्दिक मंगल कामनाएं देता हूँ। ये मैं दस्तावेज जो पेश कर रहा हूँ, ये दस्तावेज मेरा नहीं है, ये किसी प्रकाशन से छपा हुआ नहीं है, ये उत्तर प्रदेश सरकार का दस्तावेज है। उत्तर प्रदेश सरकार में उत्तर प्रदेश सूचना एवं जनसंपर्क डिपार्टमेंट है, जो सरकार के कार्यक्रमों की लेखा जोखा छापता है। ये किताब उन्हीं के द्वारा है, और इसमें आप ये देखिए, ये पूरा आप देख सकते हैं। पूरे देशवासियों को मैं ये दस्तावेज दिखाना चाहता हूँ। इसमें स्पष्ट रूप से 20 फरवरी 1827 महात्मा फूले साहब की जयंती प्रिंट है, आप भी देख लीजिए जी। ठीक है जी, 20 फरवरी 1827 लिखा हुआ है इसमें, और उनके बारे में पूरा लिखा है। बिल्कुल। ये इस पर फोटो भी है मायावती जी का जी। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश सरकार का है, और मुख्यमंत्री रहते हुए मायावती जी ने ही इसे छपवाया है। ये पीछे परिवर्तन चौक का फोटो है जी। ये आगे का फ्रंट है। तो ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का दस्तावेज है, और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये तो महात्मा ज्योतिबा फूले के बारे में बात हो गई है ना, कि उनकी जी जी वो मैं समझ रहा हूँ। अभी आपने ये दिखाया कि 20 फरवरी को उनकी फूले साहब की वास्तविक जयंती मनाई जाती है, और पूरे देश भर में काशीराम साहब मनाया करते थे जी। बिल्कुल, आज तक हमारे अलावा इसको कोई नहीं मना रहा, क्योंकि 11 अप्रैल 11 और 20 फरवरी का अंतर क्या है, क्यों है ये मामला जी जी, वही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। जो हम आज तक सुनते आ रहे हैं 11 अप्रैल का, उसका क्या बीच में क्या कॉन्सेप्ट है, 11 अप्रैल जब इसमें 20 फरवरी है, तो फिर 11 अप्रैल कहाँ से आया है, वो हम आपसे जानना चाह रहे हैं। यही मेन मामला है, इस पर हमें चर्चा में इस पर स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। 20 फरवरी माननीय काशीराम साहब मनाते थे, महात्मा फूले साहब की जयंती को साहू महाराज मनाते थे, साहू महाराज के बाद बाबा साहब डॉक्टर मनाते थे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद माननीय काशीराम साहब मनाते रहे जी। लेकिन माननीय काशीराम साहब के बाद 2007 से पहले महात्मा फूले साहब की जयंती 20 फरवरी ही मनाई गई है जी। लेकिन अब पता नहीं महात्मा फूले साहब के माँ बाप किसको मिल गए 2007 से, कि वो महात्मा फूले साहब का दोबारा जन्म हो गया 11 अप्रैल। इसका मामला क्या है, ये बहुत बड़ा मनवादी षड्यंत्र है। महात्मा फूले साहब, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियर और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, अगर इनका विचारधारा, इनके
विषय में जनता को, बहुजन समाज को अगर समय समय पर विचारों की डोज मिलती रही तो बहुजन समाज बन जाएगा, और बहुजन समाज जब बन जाएगा तो शासक भी बन जाएगा, और अगर बहुजन समाज बन के शासक बन गया तो नुकसान किसका है? नुकसान मनुवाद का है। मनुवादी दफन नहीं होगा, मनुवादी भी दफन होंगे, उनका शासन छिन जाएगा। तो मनुवादी षड्यंत्र है कि बहुजन महापुरुषों में सब, देखिए वैसे तो बुद्ध से लेकर के मान्यवर कांशीराम साहब तक हमारे हर महापुरुष का बहुत बड़ा योगदान रहा और सभी की अपनी अपनी भूमिका रही है, लेकिन महात्मा फूले की भूमिका अपने आप में बहुत ज्यादा अलग है। जैसे आपने कहा कि 20 फरवरी से 11 अप्रैल कर देना ये मनुवादी षड्यंत्र है, तो जो 2007 से पहले तक आपने कहा कि 20 फरवरी को मनाया जाता रहा जयंती, उसके बाद में 11 अप्रैल को मनाई जाने लगी, लेकिन जहां तक मेरा ध्यान है उस समय तो मायावती का ही शासन रहा है ना, तो मायावती तो, हाँ, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि मायावती जी मनुवादी विचारधारा को मानती हैं? पूरी तरह षड्यंत्र में फंसी हुई हैं, मनुवादी षड्यंत्र में पूरी तरह फंसी हुई हैं, इसीलिए महात्मा फूले साहब का पुनर्जन्म हुआ जिसमें महाराष्ट्र की कांग्रेस सरकार भी शामिल है और मायावती इन्होंने मिलकर के ये महापुरुषों की जयंतियों को डिस्टर्ब किया है, भ्रम पैदा किया है। लेकिन अभी तक जो हमने देखा है या जो सुना है, मायावती जी तो बहुजन की एक सबसे उभरती हुई नेता रही हैं और आज भी बहुजन की नेता के प्रतीक में जानी जाती हैं, फिर आप ये बात कैसे कह रहे हैं? मायावती जी बहुजन की नेता रही नहीं है, वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा लगाती हैं और वो मनुवादी व्यवस्था के मुताबिक चलती हैं। अब वो बहुजन समाज से नफरत करती हैं, कितने बहुजन नेता अब आजकल उनके साथ हैं, हमारे महापुरुषों की जयंतियों को डिस्टर्ब कर रही हैं मनुवादियों से मिलके, तो वो कैसी बहुजन नेता हो सकती हैं, ये तो समझा जा सकता है ना। तो आपने हमने आपकी एक फेसबुक पर पोस्ट देखी थी जिसमें आपने परिवर्तन दिवस के बारे में, जो लखनऊ में है परिवर्तन चौक के बारे में चर्चा की थी, वो क्या विषय था, उसके बारे में आपसे बात करना चाहिए? परिवर्तन चौक जो है, मैं वही तो बता रहा हूँ कि 1995 में 26 जुलाई 1995 को साहू मेला लखनऊ में लगा। साहू मेला जो है 24 सितंबर से 27 जुलाई तक लगा था, 24 जुलाई से 27 जुलाई तक 1995 को साहू मेला लगा था। साहू मेले में ही परिवर्तन चौक की निर्माण करने की शुरुआत हुई थी और 15 से लेकर के 18 सितंबर तक पेरियर मेला लगा था। 17 सितंबर 1995 को परिवर्तन चौक का उद्घाटन हुआ था, ये कांशीराम साहब ने किया और उसका फोटो मेरे पास है। ये जो फोटो है ये 17 सितंबर 1995 का है, पेरियर साहब की जयंती का, और हम लोग भी इन दोनों मेलों में शामिल रहे हैं। 26 जुलाई वाले साहू मेले में भी रहे हैं और 17 सितंबर वाले पेरियर मेले में भी रहे हैं। चार चार दिन के ये मेले लगे थे, बड़े मेले थे, इसमें पूरे देश भर के लोग बुलाए गए थे। 17 सितंबर को जब पेरियर का मेला लगा था तो तमिलनाडु केरल के लोग स्पेशली बहुत संख्या में आए थे, उनके रुकने का रहने सहने का सारा प्रबंध इधर लखनऊ में किया गया था। और 26 जुलाई को जब भागीदारी दिवस मना था उसमें भी महाराष्ट्र के लोग बहुत संख्या में आए थे। और सबसे बड़ी बात एक और बताएं, 1997 में कानपुर में भी एक साहू मेला लगा था, उसमें तो कोल्हापुर से ही स्पेशल लोगों को बड़ी संख्या में बुलाया था, उनको अतिथि बनाया था यूपी गवर्नमेंट का, ये मान्यवर कांशीराम साहब ने बुलाया था। तो हमारा समस्या सिर्फ फूले साहब की जयंती से ही डिस्टर्ब करना नहीं है। देखिए महात्मा फूले साहब की जयंती डिस्टर्ब कर दी 20 फरवरी से 11 अप्रैल कर दी बगैर किसी तथ्य के, पता नहीं कौन से तथ्य कहां से, ये महाराष्ट्र सरकार कांग्रेस की जो महाराष्ट्र सरकार थी तत्कालीन और मायावती जी ने मिलकर क्या नौटंकी कर दी समझ में नहीं आई। लेकिन 20 फरवरी से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि हमें तो फूले साहब की विचारधारा को बात करनी है ना, हमें 11 अप्रैल करने से क्या लाभ था? आप जानते हो कि 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती होती है,
पूरा देश नहीं बल्कि दुनिया के लोग मनाते हैं, और एक महीने पहले से तैयारी शुरू होती है। अब 3 दिन पहले 14 अप्रैल में और 11 अप्रैल में 3 दिन का ही तो अंतर है। तो फूले साहब को बुलाना है, उन्हें दबाना है, उन्हें मिटाना है, उनकी विचारधारा को नेतनाबूत करना है, इसलिए 11 अप्रैल की गई है। इसका षड्यंत्र बहुत बड़ा षड्यंत्र है, छोटा मोटा नहीं है। फिर आज पैरियर साहब के मेले लगे, उनकी मूर्ति लगी परिवर्तन चौक पे, 5 महापुरुषों की मूर्ति लगी थी, महात्मा फूले साहब की, छत्रपति साहू जी महाराज की, नारायण गुरु की, पैरियर रामास्वामी नायकर साहब की, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की, और बीच में जो पिलर है उसके नीचे मूर्ति बन नहीं पाई थी, वो बाद में लगी है। लेकिन आज मूर्तियां, आज भी 5 ही हैं मूर्तियां, तो आज भी 5 ही हैं, लेकिन पैरियर की मूर्ति नहीं है। तो इसका क्या अर्थ हो सकता है, आप क्या कहना चाह रहे हैं, किसके थ्रू या किसके कहने पर ये हटाई गई है? पैरियर को नफरत किनसे है? जिनको पैरियर से नफरत है उन लोगों के दबाव में मायावती जी ने पैरियर को मूर्ति नहीं हटाई है। दो दो मूर्तियां थी लखनऊ में पैरियर साहब की, एक बाबा साहब के डॉक्टर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का स्मारक है गोमती नदी के किनारे, वहां भी मूर्ति थी, वो भी गायब है। और परिवर्तन चौक पे बड़ी मूर्ति थी, जितनी बड़ी फूले साहब की मूर्ति थी उतनी बड़ी पैरियर और साहू महाराज की थी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की, नारायण गुरु, बराबर बराबर की मूर्तियां लगी थी, लेकिन पैरियर साहब की मूर्ति नहीं है। हम गवाह हैं इस बात के कि पैरियर साहब की मूर्ति हमारे आंखों सामने लगी आज, मैं कई बार कह चुका हूं इस बात को। तो अब दूसरी बात एक और है, ये तो आपने अभी अभी तो 11 अप्रैल और 20 फरवरी वाला मामला देखा जी। अभी तो छत्रपति साहू जी महाराज का तो बहुत बड़ा मामला है। छत्रपति साहू जी महाराज की जो जयंती है 26 जुलाई को मनाते रहे, कांसीराम साहब मनाते रहे, हम लोग भी शामिल होते रहे, मायावती जी मनाती रही, लेकिन अचानक 26 जुलाई से 26 जून कर दी गई। जबकि 26 जुलाई 1902 को साहू महाराज ने अपने जन्मदिन के दिन पर, अपने जन्मदिन पर अपने रियासत में 50% भागीदारी दी थी, इसलिए आज भी 26 जुलाई को हम लोग भागीदारी दिवस के रूप में मनाते हैं। कांशीराम साहब मनाते थे, भागीदारी मेले लगाए कांशीराम साहब ने, लेकिन मैं एक दावे के साथ कह रहा हूं मायावती जी 26 जुलाई 2002 को 100वीं भागीदारी दिवस मनाने के टाइम कोल्हापुर में जाती हैं, कांशीराम साहब वहां के चीफ गेस्ट थे उस कार्यक्रम के, उसके बाद आज तक 2002 से लेके आज तक 20 साल हो गई, मायावती जी ने कहीं भी भागीदारी दिवस का कोई आयोजन नहीं किया, कोई सिंगल। 2002 के बाद मायावती जी ने एक भी फूले साहब की जयंती का कोई कार्यक्रम नहीं किया, पैरियर साहब को तो ऐसे उड़ा के फेंक दिया जैसे कि पैरियर पैदा ही नहीं हुए। तो आपके हिसाब से जो मुझे लग रहा है कि आप मायावती जी हैं जो बहुजन नेता के रूप में जानी जाती हैं, वो एक्चुअल में क्या बहुजनों को मिसगाइड कर रही हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं उनको दिशा भंग कर रही हैं? दिशा भंग तो कर दी गई है मायावती जी ने, कर दिया है। और मायावती जी के पीछे बहुत बड़ा कॉकस है मनुवादियों का, एक गैंग है, और उस गैंग का एक चेयरमैन, एक मेंबर उनका चेयरमैन बन के बैठा है। मायावती जी के साथ मनुवादियों का जो गैंग है, उस गैंग का एक सदस्य मायावती जी का चेयरमैन बन के बैठा है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अब बचाई क्या है हमारे पास? हम लोगों को राजनीतिक विकल्प देने के लिए मजबूर होना पड़ा है। मान्यवर कांशीराम साहब के विचारों को बचाने की जिम्मेदारी हम लोगों की बनती है जो उनके कार्यकर्ता हैं, मेरे जैसे लाखों लोग हैं इस देश भर में, उन सब की जिम्मेदारी है। अगर हम लोग अभी नहीं जागृत हुए, आज मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने महात्मा ज्योतिबा फूले साहब की 195वीं जयंती पर मेरे से बात करने के लिए मुझे बुलाया है, मेरे से बैठ करके आप लोग बात कर रहे हैं। ये देश का नहीं, पूरे इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जितने भी बहुजन हैं, जो फूले साहू, नारायण गुरु, पैरियर और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मान्यवर कांशीराम साहब के अनुयायी हैं, ये उन सबकी जिम्मेदारी है, उनमें मैं भी एक सदस्य हूँ, कि कांशीराम साहब की मूवमेंट कैसे बचे, उनकी विचारधारा कैसे बचे, फूले साहू, पैरियर, अम्बेडकर का मूवमेंट कैसे बचे, उनके अस्तित्व को, मिशनरी अस्तित्व को कैसे बचाया जाए,
ये हम सबकी जिम्मेदारी है। मायावती तो अपने और अपने परिवार की बचाने के लिए सरेंडर हैं, सरेंडर हैं वो पूरी तरह, वो तो जो चाहते हैं वो ही करती हैं वो तो, ये कहानी। आप अभी इसमें कुछ दिखाने वाले थे किताब में? हाँ मैंने आपको जी दिखाने के लिए, तो ये किताब ही उत्तर प्रदेश सरकार की है, लेकिन मैंने इसको अपने लिए इस्तेमाल इसलिए कर लिया है कि ये देखिए, ये कानपुर का, ये कानपुर मेले का फोटो है, ये मायावती जी है, साहू मेला है यहाँ का कानपुर का, इसी में कोल्हापुर के लोग बुलाए गए थे बड़े पैमाने पर, ये काशीराम साहब के साथ में सोने का मुकुट पहने हुए खड़ी हैं, जिन महापुरुषों के जन्मदिनों पर, भागीदारी दिवस पर इनका सम्मान हो रहा है, आज इन्होंने बुला दिया। आज जितना भी हमारा ओबीसी भाई है, एससी का भाई है, रिलीजियस माइनॉरिटी, धार्मिक अल्पसंख्यक है, इन सबको जोड़ने की जिम्मेदारी जिनकी थी, आज वो इन सबको जूते मार मार के भगा रही हैं। इसलिए अब हमारी जिम्मेदारी है भाई, जो तथाकथित तो उत्तराधिकारी ने मनुवादियों से हाथ मिला लिया है, तो काशीराम साहब के जो कार्यकर्ता हैं उनकी जिम्मेदारी है विकल्प पेश करने की और ये महापुरुषों के विचारधारा के अस्तित्व को बचाने की। एक तो ये मैं बता रहा हूँ, दूसरा अभी आपने देखा होगा ये जो है, ये जो आप जो देख रहे हैं, ये कोल्हापुर के मंच का है, ये फोटो कोल्हापुर के मंच का है, इधर वाला एक साइड, इधर वाला, ये तो केजीएमसी की जगह पे छत्रपति साहू जी महाराज के नाम थे, यूनिवर्सिटी नाम बदला गया था 2002 में, वो है, ये फोटो लगी है। मैं बताता हूँ ना, 2002 के बाद उन्होंने साहू जी महाराज का, फूले साहब का, पैरियर का नाम ही नहीं लिया कहीं, और पैरियर को तो 2002 में ही उन्होंने लखनऊ से उड़ा दिया। ये कोल्हापुर का फोटो है जिसमें काशीराम साहब एज ए चीफ गेस्ट हैं, लेकिन उन्होंने अपना फोटो तो लगवाया है यूपी गवर्नमेंट से, काशीराम साहब का फोटो गायब है क्योंकि खम्भे की आड़ में छुप गए हैं थोड़े, तो दूसरा फोटो लगाना चाहिए था, नहीं लगाया, लेकिन ये फोटो को कैसे छुपा देंगी, ये फोटो काशीराम साहब के फोटो है, ये फोटो जिसमें मायावती जी खड़ी हैं, काशीराम साहब को कोल्हापुर के जो महाराज थे छत्रपति साहू जी महाराज, उनके नाती, उन्होंने काशीराम साहब को साफा बांधा है नीले कलर का, ये साफा वो जो भी उनके अतिथि आते हैं, राज अतिथि, उनको पहनाते हैं, उनकी परंपरा ऐसी। तो ये जो इस टाइप की जो आप जो देख रहे हैं, कि मेरा तो ये कहना है कि छत्रपति साहू जी महाराज का जो ये जो आप जो देख रहे हैं, एक और ये चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ, ये आप देखिए 26 जुलाई, ये यूपी गवर्नमेंट का दस्तावेज है, मेरा नहीं है, ये प्रकाशन से नहीं उठा के लाया हूँ, यूपी गवर्नमेंट, जब मैं भाई मैं भी तो इसी मूवमेंट में काम किया हूँ, सरकार मायावती जी की नेतृत्व में जरूर चली, लेकिन बीएसपी की चली, हम सब बीएसपी के लोग हैं, ये सारे किताब दस्तावेज मेरे पास गवर्नमेंट के मतलब जो प्रकाशन से हमें भी प्राप्त हुए, बांटे जाते थे तो मेरे पास भी थे, तो मैं तो अपने संभाल के रख लेता हूँ, तो समय आने पर मैंने देखा खोजा तो ये निकला कि ये तो यूपी गवर्नमेंट का दस्तावेज है। अब मैं ये जानना खुद चाहता हूँ कि मायावती जी मुझे ये बतावें कि ये दस्तावेज सच है या ये दस्तावेज सच है, जैसा कि ये दस्तावेज दिखाया, ये फोटो देख रहे हैं, या ये दस्तावेज सच है कि इन्होंने ये जो है अपनी तरफ से महापुरुषों की जयंतियां ये प्रकाशित की हैं, ये दस्तावेज सच है। इस दस्तावेज में महात्मा फुले साहब की जयंती 11 अप्रैल है, छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती 26 जून है, इस दस्तावेज में 26 जुलाई है और 20 फरवरी है। अच्छा, ये भी दस्तावेज है, ये यूपी गवर्नमेंट का दस्तावेज, ये भी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का है और वो भी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का ही है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के, यूपी गवर्नमेंट का ही। आप यहाँ से पीछे से दिखा दें, जरा फोकस करिए जी, ये भी गवर्नमेंट का ही दस्तावेज है, गवर्नमेंट की बुक है, और जो पहले वाला गौतम जी ने दिखाया वो भी गवर्नमेंट की ही बुक है। आप देख सकते हैं अभी डिफरेंशिएशन क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है ये विभाजन, ये यूपी गवर्नमेंट सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित एवं यूनाइटेड ब्लॉक प्रिंटर्स लखनऊ द्वारा मुद्रित 2003 अप्रैल 2003 का है। ये मुद्दा बहुत ही पेचीदा है, जूम आउट हो गया,
ये मुद्दा बहुत ही पेचीदा है। एक जगह महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती में फेरबदल किया गया, जो वास्तविक जयंती है 20 फरवरी 1827, जो आज के दिन गौतम जी ने मनाया और तमाम बहुजनों ने जयंती को मनाया है। दूसरी जयंती शाहू जी महाराज की 26 जुलाई 1974, जिसको बदल करके 26 जून 1974 कर दिया गया है। ये हम नहीं कह रहे, ये गौतम जी द्वारा दिखाए गए दस्तावेज़ कह रहे हैं, जो अभी आपने कैमरे पर देखे, और इनकी कॉपियां भी हम आपको दिखाएंगे। अब जो सवाल निकल कर आ रहा है कि इन जयंतियों के साथ फेरबदल करने का उद्देश्य, या जो परिवर्तन चौक है वहाँ से पेरियर साहब की मूर्ति को हटाने का उद्देश्य क्या हो सकता है और क्यों है, इसका क्या पर्पस हो सकता है, क्या करना चाहते हैं बहुजन जो नेता हैं? क्या वो अपना दायित्व भूल गए हैं? क्या वो अपना कर्तव्य भूल गए हैं? और किस तरफ वो चल दिए हैं? षड्यंत्र में फंस गए हैं। ये मनवादी षड्यंत्र है कि बहुजन समाज बनेगा और बहुजन समाज शासक बनेगा तो मनुवाद मिटेगा, मानवतावाद आएगा। तो जो मानवतावाद को आने से रोकने के लिए ये सारे के सारे षड्यंत्र में फंस गए हैं। इनके तमाम CBI, EBI, ED, VD दुनिया भर के विभागों के माध्यम से फाइलें खुली पड़ी हैं और इनसे गलत सलत काम कराए गए हैं। गलत काम कराने वाले भी वही हैं और गलत कामों की आड़ में उन्हें फंसाने वाले भी वही हैं। तो ये फंसे हुए हैं, फंसे पड़े हैं ये। अब ये बहुजन मूवमेंट को चलाने वाले नहीं हैं, बहुजन मूवमेंट को मिटाने वालों में अब इनका नाम है। तो जो अभी तक मायावती के बारे में कहा जाता था कि एक बड़ी ही कद्दावर नेता हैं, बहुजन की नेता हैं, क्या वो छवि अब खत्म होती नजर आ रही है? उन्होंने तो 2007 में ही, जैसे ही सरकार बनी, मान्यवर काशीराम साहब 2006 में खत्म हो गए या कर दिए गए। ये तो वो मान्यवर साहब की मृत्यु भी तो षड्यंत्र का हिस्सा है। वो मान्यवर काशीराम साहब की जो मृत्यु है स्वाभाविक नहीं है, षड्यंत्र का हिस्सा है। मान्यवर साहब काशीराम मिटाए गए 2006 में, और 2007 में जब बहुजन समाज ने उनको श्रद्धांजलि स्वरूप ये सरकार बना के दी, तो ये सरकार बहुजन मूवमेंट को मिटाने के लिए काम आई। जो आप कह रहे हैं काशीराम साहब मिटाए गए या उनकी मृत्यु की गई, इसका कोई वास्तविक प्रमाण है या फिर आप विरोध के बेस पर कह रहे हैं? जांच हो जाए, कोई भी बड़ी एजेंसी जांच हो जाए तो सारे तोते की तरह उड़ जाएंगे इनके सब, जितने ये तथाकथित घूम रहे कहाँ हैं। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। कांशीराम साहब को ही नहीं मिटाया, उनका पूरा मूवमेंट मिटा दिया गया। आज वो मनवादी व्यवस्था के चरणों में शरणागत हो गए हैं। आज बहुजन समाज पार्टी, जिसकी तथाकथित ये लीडर है, ये बहुजन समाज पार्टी देश की शासक होती, आज देश की जो सत्ता में लोग बैठे हैं वो इनको हैंडल करके बैठे हैं। आज ये सत्ता में ये थोड़ी होते, सत्ता में तो मान्यवर काशीराम साहब के कार्यकर्ता होते। मान्यवर काशीराम साहब खुद ये देश की सत्ता को हैंडल कर रहे होते, लेकिन उनको मिटाने के लिए और अपने आप को फंसे पड़े इसलिए बचाने के लिए ये हम लोग भी मिटा दिए गए। भाई हम लोग इस देश की सत्ता को, प्रदेश की सत्ता को, इस देश के राजनीतिक मूवमेंट को, बहुजन महापुरुषों के फूले साहू पेरियर अंबेडकर के मूवमेंट को चला रहे होते मान्यवर काशीराम साहब के मार्गदर्शन में, उनके दिशा निर्देशन में, लेकिन वो नहीं कर पाए। ये तो बहुत बड़ा षड्यंत्र है ना। तो संयोग से आज आपने मुझे फूले साहब की जयंती पर आमंत्रित किया और इतनी बड़ी बात आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश और दुनिया के लोगों के बीच में जाएगी, ये इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू दिनेश जी हमारे साथ रहने के लिए। ये थे दिनेश कुमार गौतम जी, जिन्होंने एक बड़ी ही कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन को हमारे सामने रखा है, जिसमें जो बहुजनों के महापुरुष हैं महात्मा ज्योतिबा फूले, जैसे कि मैंने बताया महात्मा ज्योतिबा फूले, शाहू जी महाराज, इनकी जयंतियों के साथ फेरबदल किया गया। दिनेश जी का कहना है, उन्होंने दस्तावेज़ों के साथ प्रमाणित किया है कि इनकी जयंतियों को फेरबदल किया गया है और किसी षड्यंत्र के अंतर्गत ये सब किया गया है। अब इस षड्यंत्र का उद्देश्य क्या है वो जनता खुद डिसाइड करेगी, खुद निर्णय करे। बाकी हमारा उद्देश्य है कि जो सच है वो आप तक लेकर आए।
गौतम जी ने काफी सारे दस्तावेज यहाँ पर दिखाए, आपने भी देखे, अब आप निर्णय आपके ऊपर है, आपको क्या डिसीजन लेना है। गौतम जी, XMT न्यूज में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। ये जानकारी हम समझते हैं बहुजनों के हित में होगी और जो सरकारें हैं उनको भी इसका निरीक्षण करने में या जांच करने में मददगार साबित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।